डिक्की में नहीं बैठना है। मैं भी सो चुकी है, कृषा भी सो चुकी है, दोनों माँ बेटियाँ सो गई है आज तो। की मूर्ति की एक्चुअली स्टोरी ये थी कि जो यहाँ के जो महाराज थे उनको सपने में माता जी दिखे और वो माता जी ने बताया कि सो हेलो दुनिया लोग, गुड मॉर्निंग। मैं वगैरह कदम आप सभी ब्यूटीफुल पीपल का वेलकम करता हूँ मेरे आज के ब्लॉग में। अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है और अपना जो दिशु है वो गया है ट्यूशन और ये घंटियों की आवाज़ इसलिए आ रही क्योंकि मम्मी कर रही है पूजा। मम्मी कर रही है यहाँ पे पूजा और यहाँ पे पूजा ऑलरेडी ख़त्म ही होने आई मम्मी की। हम आरती करके आ गए, अब करते हैं नाश्ता क्योंकि सबसे पहले भगवान का नाम ले जाता है फिर नाश्ता करते हैं। और अभी अपनी मम्मी क्या नाश्ता बना रही है अपने लिए, मस्त गरम गरम चाय और साथ में बिस्किट ले लेते हैं। मैंने इसका जो सैंपल बनाया था जो स्टिच करके, इसकी थोड़ी स्टिच बाहर चली गई तो मैंने कहा था वापस करो, बट मैम ने कहा था मंडे को क्लास में आके वापस करना, बट मैं सोचा हूँ फ्री बैठा हूँ तो इस पर वापस कर ही देता हूँ, यहीं पे सब खत्म कर देता हूँ और कॉलेज जाके कुछ नया सीखने को मिलेगा तो आगे बढ़ जाएंगे अपने। तो एकदम ओपन करके एकदम प्रॉपर स्टिच हो गए, इस पे देखो एकदम लाइन में स्टिचेस दिख रहे। अच्छा हमको सिखा रही है। देखो दिशु चल खाना खाने, चल खाना खाने, ठीक है चल खाना खाने चल। इसको पूरे दिन बस टीवी देख रहा था, खाना भी मत दो खाली इसको टीवी दे दो, इससे इसका पेट भर जाएगा। चल भाई खाना खा ले। ये कौन सी भाषा है। अभी सो के जस्ट उठा और पापा का एकदम सडनली प्लान बना है और बड़े पापा के साथ कि हम लोग जा रहे हैं सीधा मंदिर। सो अब वो कौन सा मंदिर है एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, शायद से रणु का मंदिर है माता जी का, नवरात्रि चल रही है इसलिए तो वहाँ पे जाते हैं सीधा दर्शन करने के लिए। पर सबसे पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं ये कपड़ों में थोड़ी जा सकता हूँ तो चेंज करते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। हो गए तैयार, अब सीधा निकलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अपनी कार में क्योंकि बड़े पापा की जो कार है वो पंचर है उनका, वो ये वाला टायर जो है ये वाला टायर पूरा पंचर है ये देखो, इसलिए हमको अपनी कार लेके जाना पड़ रहा है। दिशु सीट को आगे पीछे मत किया कर भाई, खराब हो जाएगी। खराब हो गया। मजा आ रहा है ये। हाय दिशु। बैठ चुके इतनी कम स्पेस में बैठे बेचारा दिशु। दिशु भाई चलो निकलते हैं अब। पापा और बड़े पापा आगे बैठे और हम चारों पीछे आ गए। कृषा मजा आ रहा है। हाय अब हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाने वाले, एग्जैक्टली पहुंच तो चुकी है, बस थोड़ी 5-10 मिनट का और रास्ता बाकी है और सीधा पहुंच जाएंगे। और दिशु को तो भाई पीछे बैठने में जो मजा है भाई, मेरे को तो टेंशन हो रहा था कि उसको फाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं जब भी डिक्की में बैठा हूँ ना बचपन में मुझे हमेशा वॉमिटिंग ही हुई है और बड़े में तो ऐसे बैठे बैठे सो गई है। मम्मी देख रहे हो कैसे सो रहे हैं। मैं भी सो चुकी है, कृषा भी सो चुकी है, दोनों माँ बेटियाँ सो गई है आज तो। कृषा जग रही है तो उसका मुंह भी पूरा का पूरा नींद में ही है। थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस जितना है वो थोड़ा वॉक करना है और फिर सीधा मंदिर पहुंच जाएंगे। कृषा बहुत अच्छी नींद लगी थी क्या कार में, बहुत। कृषा को छोटे बच्चे वाली डॉल, छोटी बच्ची हो क्या। खाने पीने की, खिलौने की, ऐसा लग रहा है भाई मेला ही है यहाँ पे, बट मेला नहीं है, मंदिर जाने के लिए रास्ता। और यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतने सिटीजन इतने पब्लिक्स आते हैं, इसलिए इन लोगों की जो कमाई है वो बहुत अच्छी खासी होती है कि हर जगह बच्चों के खिलौने, खाने पीने की चीज़ें, जो मेन चीज़ें लगती है मेले में, वैसा ही पूरा रोड पे इन लोगों ने रखा है। पापा नारियल बिरियल सब ले रहे हैं पूजा की, जो मतलब आरती के लिए मतलब जो भी लगेगा मतलब वहाँ पे। सो भी पापा और मम्मी ने नारियल और सभी माता जी के लिए जो साड़ी बेटी जो लेना होता है, हल्दी कुमकुम वो सब ले लिया। ये रहा माता जी का मुख्य द्वार और हमने अंदर प्रवेश कर लिया। यार लोग लाइन में लग चुके हैं, मेल की लाइन अलग है और लेडीज की लाइन अलग है। ये कहीं और ही चप्पल निकल के आ गया था। कहाँ चप्पल निकल के आ गया था तू, कहाँ निकल के आया था। भीड़ है भाई, देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और वो रहे माता जी ये हमारे कुल देवी माता है। और ये जो एक वाव में से निकले, तो वाव मैं आपको दिखाता हूँ। और काफ़ी मिस्टीरियस मंदिर है। अच्छे वाला पार्ट है, यहाँ पे भी सब लोग अपना मस्तिष्क पे टेकते हैं। माता जी के एक्चुअल में माता की फोटो ऐसी है। और यहाँ पे माता जी की जो रंगोली बनी है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनी है। तो अब सीधे जाते हैं वाव की तरफ, और वाव आपको दिखाता हूँ कि वाव में से माता जी निकले थे और वाव कितनी बड़ी है। सो ये रही वो वाव। और ये सीढ़ियाँ बहुत गर्म है यार। सो ये रही वाव। ये जो पूरी देख रही है वाव है। और माता जी जो थे वहाँ से अंदर से निकले थे और वही माता जी की मूर्ति मंदिर में लगी है। थोड़ा सा जल अपने आप पे छिड़क लेता है। और इस वाव में काफ़ी ज़्यादा फिशेस भी और काफ़ी ज़्यादा टर्टल्स भी है। सो माता जी की मूर्ति की एक्चुअली स्टोरी ये थी कि जो यहाँ के जो महाराज थे उनको सपने में माता जी दिखे और वो माता जी ने बताया कि मैं इस वाव में हूँ और मुझे निकालो। और फिर जब अगले दिन महाराज जी उठे, फिर उन्हें सीधे जाके यहाँ पानी में डुबकी मारी वाव में, और यहाँ से माता जी की मूर्ति वो उन्होंने बाहर निकाली और फिर वही मूर्ति उन्होंने मंदिर में स्थापित की है। जाते ऊपर और सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ये तो आपके लिए कवर करने के लिए इतना गर्म गर्म सीढ़ियों पे जाना पड़ा था। भाई बहुत गर्म है। और मुझे एकदम कैसे खतरनाक लोकेशन बिठा दिया है भाई। स्लाइड जरा सा भी पैर खिंचला मैं सीधा लपस के सीधा पानी में घुस जाऊँगा। ऐसी जगह पर मुझे फ़ोटो खिंचाने क्यों लेके आती है तू? मज़ा आती है वाली। मैं बैठा हूँ, अगर मेरा जरा सा ही फिसला सीधा मैं पानी में घुस जाऊँगा अंदर बिना कुछ किए। ये जो लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यार, एकदम मस्त व्यू आ रहा है। ऐसे बैठे बैठे बस ऐसा मन करे यहाँ पे बैठे रहे, उठने का मन ही नहीं कर रहा क्योंकि एकदम ठंडक लग रहा है। क्योंकि सीढ़ियाँ जो इतनी थी इतनी गर्म थी, हम पैर भी नहीं रख पा रहे थे उस पर, बट इधर एकदम ठंडक लग रही है ना। तो मम्मी पापा बड़े अम्मी बकरीशा और दिशु सब यहाँ पे बैठे हैं मौन मंदिर में। एकदम शांति है, बट छोटे बच्चों की तो मस्ती रहती है भाई। तो यहाँ पे बैठते हैं शांति से। दिशु कैसा है? दिशु तू बेचारा, दिशु फोन नहीं। सो पापा हम लोग यहाँ पे ले रहे काउट, इसको कहते हैं काउट या गुजराती में कहते हैं कोठा। सो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे सेल कर रहे हैं और खाने में थोड़े खट्टे भी होते हैं, टेस्टी भी लगते हैं, मस्त लगता है यार। ये पसंद है, ये आ चुका है। दिशु तो चालू कर दिया अभी, रुका तो कर मेरे लिए एटलीस्ट। तो मस्त मसाला ऊपर से डाल के दिया, कलर भी डाल के दिया है। पार्किंग की थी भाई, दम निकल गया चलते चलते। इतनी में उल्टी, इतनी गर्मी लग रही, इतनी धूप है। बस यहाँ पे छाव है, बाकी भाप पूरे रोड पे पूरी गर्मी है। दिशु भी बैठ गया, चलो जल्दी। कृषा आजा, कृषा तू भी आ जाएगी। कृषा आजा 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 जल्दी आजा। कृषा जल्दी बैठ जा। कृषा ही बैठ रही है, जल्दी बैठ जा। कृषा दिशु दोनों आ गए। मम्मी दरवाजा बंद कर दो, आराम से देखो लगता। हाँ ये गए दोनों, आ गए कृषा मस्त पीछे बैठ गई। कृषा मजा आ रहा है बहुत। चलो अब निकलते सीधा घर के लिए। हम घर पे आ गए और दिशु वहाँ से क्या लेके आया मैं आपको दिखाता हूँ। दिशु ने पापा से ये लिया और अभी दिशु तो नीचे खेलने गया। पर ये जो मस्त दिखता है आपको दिखाता हूँ। इसमें लाइट, अगर मैं रूम की लाइट बंद कर देता हूँ और जब इसे घुमाता, देखो भाई क्या ही तो लग रहा है, ये कितना मस्त लग रहा है। खाना क्या बन रहा है मम्मी? मम्मी आज का खाना क्या बन रहा है? मसाले का भात। मुझे नहीं खाना, बट खाना पड़ेगा यार। मसाले के भात का जो मेनू था वो कैंसिल हो गया क्योंकि पापा ने बोला कि भाई मैं तुझे पनीर की सब्जी बना के खिलाता हूँ। तो पापा अपने लिए पनीर की सब्जी बना रहे हो, मज़ा आ जाएगा कि पापा का खाना बहुत मस्त लगता है। मम्मी तो पनीर की सब्जी बन रही है मस्त गर्म गर्म, हाँ मज़ा आ जाएगा। अरे भाई धीरे धीरे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, समझ नहीं आता क्या तुझे? उठा ले रे बाबा। तो हम लोग गाइस करवे करते सीधा आ गए भी हमारे साथ अपना हेड भाव क्या बोलते हैं मजे में। सो गरबा करते हैं, क्या कर रहे हैं उधर नाच रहे। अरे भाई उनके ब्लॉगिंग चैनल देखने को मिलने वाला है। और भाई कितनी अच्छी बात की, खुश हो गया दिल, गार्डन गार्डन हो गया। क्या मिलने वाला है? समोसे मिलने वाले, भाई समोसे मिलने वाले, तुमको मालूम है? बात कर रहा है सही में, आज समोसे मिलने वाले। कितने आज 7वां दिन है और 7वें दिन पे समोसे दे रहे हैं, बहुत तेज हो रहा है। तो गाइस अपना समोसा आ गया भाई, बहुत 7 दिन गरबा खेलने के बाद आज उन लोगों को नाश्ता दिया, पहली बार ऐसा हुआ। और कटलेट भी था, कटलेट, हाँ कटलेट 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 जो कह सकते हैं। वो करके पूरा एंजॉय हो चुके हैं और अब बोलने की एनर्जी नहीं, ना एक फ़ोन पकड़ने की एनर्जी है। और होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो भाई एक जोरदार लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर डाले देना बिना भूले। और हम आपको मिलते हैं कल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कल एक नए ब्लॉग से, तब तक के लिए बाय बाय।